guys, what's up and welcome back to my channel. Okay, so I'm going to be really very honest with you all. Before I started filming this video, I was giving it a lot of thought. Like, main literally aise soch rahi thi baith ke ki what's the point of making a fashion video right now, because you know, like, we all are aware of the situation which is going around. But then I also thought to myself ki why not? I mean, I love making videos and that is sort of like a therapy for me. मतलब मैं ऐसे किसी को pressurize नहीं कर रही कि तुम भी उठो काम करो अभी, ऐसा कुछ भी नहीं है. That's just my own personal experience and yeah, then I was like, I will not stop and जिसका भी जो भी करने का मन है उसे वो करना चाहिए, because it's very important to, you know, stay healthy and, you know, to take care of your mental health. I mean, that's the topmost priority right now. And if you are at home, do not, you know, kill yourself. ऐसे लोगों को इंटरनेट पे देख के भी कि ओ सब कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं, हमें भी करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. जस्ट डू वट मेक्स यू फील हैप्पी. अगर छोटा सा वर्कआउट है या फिर इफ़ यू यू नो वॉन्ट टू कुक समथिंग और जस्ट वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ और योर लव्ड वंस, आई मीन वाई नॉट, जस्ट डू इट एंड जस्ट यू नो डोंट टेक अ लॉट ऑफ प्रेशर. Everything will be fine. Just stay home and stay healthy. So guys, coming back to today's video, yes, Goofy and Happy Surya is back. Okay, so I can understand that the title and thumbnail might be a little bit controversial, but वो सिर्फ ऐसे fun के लिए है. Okay, मैं बताती हूँ basically video का ना main idea है क्या. So basically मैं किसी को ना criticize नहीं कर रही कि ओह उन आंटी ने मुझे ऐसे कह दिया या उन अंकल ने मुझे ऐसे कह दिया, उन्होंने ऐसे क्यों देखा वैसे क्यों देखा. The basic idea of this whole video is कि I just want to wear those outfits which I'm gonna show you अभी later in this video. I just want to wear them outside शांति से. लाइक मुझे 10 बार नहीं सोचना घर में उन्हें स्टाइल करने से पहले या फिर बाहर निकलने से पहले कि शुड आई लेट देम और शुड आई वेयर समथिंग ऑन टॉप ऑफ इट, मेरी स्किन दिख रही है, ये वो मुझे नहीं सोचना. आई जस्ट वॉन्ट टू वेयर दोज प्रीटी क्यूट आउटफिट्स फॉर द सेक ऑफ देम. मतलब अगर मैं स्कर्ट पहन रही हूँ, मुझे तो स्कर्ट की तरह पहनना है, उसके नीचे 10 चीज़ें पहन के बाहर नहीं जाना है. सो बेसिकली दैट वॉज द होल पॉइंट. एंड अभी हम वैसे भी बाहर नहीं जा सकते, तो आई थॉट ऑफ यू नो क्यूरेटिंग सम क्यूट एंड स्टाइलिश आउटफिट्स फॉर यू गाइस, ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे देख के. एंड वी ऑल फील हैप्पी एंड पॉजिटिव. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट इज दिस ड्रेस विच इज जस्ट लाइंग अराउंड इन माई क्लोजेट. जब से मैंने ये ली है, नाउ यू गाइस विल आस्क मी फ्रॉम वेयर आई गॉट दिस. सो दिस वन वॉज फ्रॉम शीइन लॉन्ग टाइम बैक. मैंने वीडियो में भी डाला था एंड बस मैंने फिर वो रख दिया. उसके बाद मैं उसे कभी भी कहीं पे भी पहन के नहीं जा पाई. एंड लेट मी टेल यू, व्हेन आई पिक दिस ड्रेस ना, इट वॉज इन देयर कैजुअल ड्रेसेस सेक्शन, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ये कभी बाहर पहन के जा पाऊंगी. सो लेट मी हैव माय मोमेंट एंड लेट मी एंजॉय इट एट होम प्लीज. एज यू कैन सी दिस इज सो क्यूट. आई मीन हु वुड नॉट वॉन्ट टू वेयर इट आउटसाइड एंड यू नो शो इट ऑफ, बिकॉज दिस इज प्रिटी, एक्चुअली मैं प्रिटी. एंड कंसिडरिंग अब हम बाहर पहन के नहीं जा सकते, तो मे बी अगर मैं कभी ऐसे वेकेशन पे जाऊँ तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट है. ऐसा नहीं लगता कि जितने भी थोड़े से रिवीलिंग कपड़े हैं हमारे पास, जो कि हमारा बहुत मन करता है पहनने का, अगर तुम उसे ऐसे नॉर्मल डेली में नहीं पहन सकते तो तुम उसे इवेंचुअली ऐसे वेकेशन या हॉलीडेज पे पहनते हो. थोड़ा सा सैड है ये, बट इट्स ओके, दैट्स द रियलिटी. नेक्स्ट इज दिस बेसिक रेड टैंक टॉप एंड जीन्स. मैं सच बता रही हूँ, अगर मैंने ये बाहर पहन लिया ना, ऐसे बवाल मत जाना है, मेरे आसपास ना लोग ऐसे खड़े हो जाएंगे ना, आई विल बी लाइक व्हाट इज हैपनिंग. ओके, कीपिंग दैट असाइड, दिस इज लाइक अ वेरी चिल आउटफिट. आई मीन इसमें मतलब मुझे चाहिए वो ऐसे टाइम आए कि मैं ऐसे ना पहन के जा पाऊँ. वैसे मोस्टली पता है क्या होता है, मैंने ना ये वाला एक्सपेरिमेंट ना करके देखा हुआ है. सो पहले मुझे ना बहुत शाय फील होता था, बट अब मैं चली जाती हूँ मोस्टली बाहर. एंड अब मेरे पास वैसे ना ऐसे मैं टाइम नहीं देती और इतना थॉट नहीं देती है, एंड आई जस्ट वेयर एनीथिंग एंड आई गो. एंड मैंने ना ये देखा है कि अगर मैं सोचती हूँ ना कि ओ मुझे सब देख रहे हैं, तब मुझे लगता है कि मुझे सब देख रहे हैं. बट इफ़ आई जस्ट डोंट केयर, तो वैसे किसी को फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, सब अपना काम ही कर रहे होते हैं. तो इट्स वेरी चिल. ओ मुझे ना वेकेशन से एक और चीज़ याद आई, एंड दिस इज़ अ ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड बाय योर वेरी ओन सोनिया गर्ग. तो पहले व्हेन आई यूज टू शूट आउटसाइड बहुत ज़्यादा, जब सिचुएशन वॉज यू नो ऑल फाइन, तो आई यूज टू थिंक कि ना मैं यहाँ रहती ही नहीं हूँ. लाइक यू नो मतलब मैं या तो किसी और सिटी से यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई हूँ दिल्ली में, या फिर मैं बेसिकली आई एम अ टूरिस्ट हियर. तो मुझे कभी ना फिर ऐसे ऑकवर्ड ही फील नहीं हुआ, बिकॉज जब भी हम कभी बाहर जाते हैं कभी हमने सोचा कि हमने क्या पहना हुआ है, तो मैं वही सेम माइंड प्रोसेस ना यहाँ पे लेके घूमती थी, एंड दैट एक्चुअली मेड माई लाइफ ईजियर. ऑल्सो नेक्स्ट आउटफिट इज दिस. तुम देख रहे हो कि कितने क्यूट एंड प्रिटी आउटफिट्स में मेरा समर एंड यूथ ऐसे ही निकल रहा है. मैंने कहीं पहन के नहीं जा पा रही हूँ, थोड़ा सा अग्रेशन है अंदर, बट प्यार भी है मुझे अपने कपड़ों को लेकर. एंड दिस इज़ लाइक दी अनदर आउटफिट विच आई रियली 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 वॉन्ट टू वेयर कहीं पे जल्दी.
होपफुली मेरा सपना सच हो जाए. I'm not even kidding. Whenever I see models or influencers on the internet doing their workouts in normal sports bra and gym leggings, जो कि actual में एक outfit होता है किसी भी workout या yoga को करने के लिए, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा motivation मिलती है. मुझे लगता है yes, कल मैं भी ऐसे ही gym जाऊँगी workout करने के लिए. And then I step outside of my home and तब तक मेरे दूध वाले भैया मुझे इतनी ज़्यादा stress दे देते हैं ना, मेरा मन ही उठ जाता है. फिर मुझे ऊपर आना पड़ता है एंड फिर पता है मैं क्या करती हूँ. So I wear any loose black t-shirt. Back पे emphasis क्यों है इतना ज़्यादा? Because apparently अगर तुम किसी और कलर की t-shirt पहनोगे तो तुम्हारी bra strap दिख सकती है. That is again a problem. How will we survive in this society? Next is the super basic. So जैसा कि दोस्तों, this is like the most basic summer outfit. अभी तक तो सबको ड्रिल पता चली गया होगा कि विच वी ऑल्सो कैन नॉट वेयर आउटसाइड. इट इज लाइक बेसिक डेनिम शॉर्ट्स एंड अ टैंक टॉप विद अ यू नो क्यूट लिटिल बो इन फ्रंट. ये ऐसा है कि लाइक ठीक है, आप घर पे पहन के भी बैठ सकते हैं, बट मैं लाइक डेनिम नहीं पहनूंगी. मे बी आई वेयर कॉटन शॉर्ट्स या फिर ऐसे जॉगर्स, या थोड़ा और चिल माहौल बनाने के लिए, ऐसे दूसरों को ऐसे इंटिमिडेट नहीं करना कि ओ मैं ड्रेस्ड अप हूँ. ऐसे बेसिक आउटफिट में भी लोग इंटिमिडेट होते हैं ना. दैट्स अ न्यू थॉट जो कि मेरे भी दिमाग में है. बट एट द सेम टाइम मैंने ना दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी अपने आउटफिट्स को देखने की ना कोशिश करी, और मुझे लग रहा है कि दे नॉट ऑलवेज जज यू. मतलब जो भी तुम्हें स्टेयर कर रहा है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें हमेशा जज कर रहा है. आई मीन ऑफकोर्स अगर वो तुम्हें देखेगा तुम्हें थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो सकता है, बट ऐसे सोचो कि क्या पता तुम बहुत ही अच्छे लग रहे हो, और क्या पता वो आउटफिट आइडियाज़ या फिर नोट्स ले रहे हैं अपने दिमाग में कि ओ उस लड़के ने कितना अच्छा पैदा हुआ है, नेक्स्ट टाइम मैं भी ऐसे करूँगी. सो यू नो लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा. The most scandalous outfit which I have been waiting to show it to you guys. Okay, so this dress which I got from H&M. मैंने इसे अभी तक नहीं पहन के गई हूँ मैं बाहर. And I understand that this is more of like a date appropriate outfit, more of like a special date. मैंने कब चल रहा है, होपफुली सून. तो मैं इसे डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहती हूँ बाहर. दिस इज सो सेक्सी, आई लव इट. जब मैंने इसे देखा था ना, मैंने हाँ मुझे ये चाहिए, एंड दिस इज लाइक अ ड्रीम आउटफिट. आई लव इट सो मच. होपफुली वैसे जल्दी पहन के जाऊँ. आई फील सो ग्लैड. अभी चल गाइस, आप किडिंग, कोई कहीं नहीं जा रहा है, हम भी नहीं जाएंगे. यू गाइस शुड ऑल्सो स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. हाउ डिड यू एंजॉय द आउटफिट? मुझे बहुत ही मज़ा आया ड्रेस अप करके. मतलब मैं ना थोड़ा सा लाइक वियर्ड फील कर रही थी, अ बिट लो, एंड मुझे अब बहुत ही अपलिफ्टिंग एंड बहुत ही ऐसे हैप्पी मूड हो गया है मेरा. सो दैट वाज लाइक अ थेरेपी. दैट वाज नाइस, दैट वेंट वेल. एंड या विच वाज द आउटफिट विच यू लाइक द मोस्ट? एंड टेल मी योर वियर्ड स्टोरीज. लाइक जब तुम कहीं ऐसे ना अच्छा आउटफिट पहन के गए हो, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा इवेंट हुआ हो, लेट ऑल ऑफ अस नो. मे बी विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट. एंड या लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन. बाय.